चाहेंगे ऑल ओवर इंडिया में ये पावर लिफ्टिंग में चैंपियन हुए थे, गोल्ड मेडल ओडिशा के लिए लाए थे। महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे मोर प्रार्थना आमर भोनी माने सशक्त हुवंतु, सुस्थ रहंतु, आनंदित रहंतु। समस्त उड़ीसा राज्यवासियों को आज रजो पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, शुभेच्छाएं। मातृशक्ति और धरती माँ के पूजन के इस पर्व के अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। हमारी सरकार निरंतर मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है और मातृशक्ति राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना योगदान दे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। इस पर्व में आज मैं सम्मिलित हुई, मैंने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का उल्लास, उनकी उमंग, उनकी खुशियों को, उनके उत्साह को देखा। तमाम किस्म के पारंपरिक व्यंजन का स्वाद भी लिया, पान भी खाया, पीठा भी खाया। ये सारी स्मृतियां सदैव मेरे हृदय में रहेंगी। मैं बहुत ढेर सारी बधाई देती हूं और साथ ही में मोदी जी की सरकार के 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस अवसर पर मैं राज्यवासियों से यही कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, मातृशक्ति के सशक्तिकरण, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने, ऐसे तमाम विषयों के प्रति समर्पित रही है। हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर नल से जल की योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण हो, जनधन योजना के तहत बैंकों में खाते हों, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ एक आम गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। और इन 8 वर्षों के कार्यकाल के समापन के अवसर पर हम सभी केंद्रीय मंत्री आम जनमानस के बीच में जाकर और ख़ास तौर से लाभार्थियों के बीच में जाकर इन योजनाओं का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गेहूँ, चावल, तेल, नमक, चना, ऐसे तमाम खाद्य पदार्थों का भी गरीब परिवारों को, करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचाया गया। बहुत सारे लाभार्थी हमारे यहाँ भी हैं। हमारी कोशिश है कि चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनकी प्रतिक्रिया को भी जाने, जो मैंने यहाँ आके किया भी। साथ ही मैंने कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, यहाँ पर भी स्वयं जाकर इन योजनाओं को कहाँ तक सफलता मिल पाई है, जिस उद्देश्य से ये योजनाएं बनाई गई, इसको भी जानने का प्रयास किया है। आम जनता से एक बेहतरीन संवाद रहा, मैं आभारी हूँ। हमारी जनता यहाँ पर उपस्थित रही और इसी प्रकार इस राज्य को भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।